हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। तो जी बच्चों, आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, देखेंगे आज की क्लास में क्या सीखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक है, इससे एक फार्मूला है, उसको समझते हैं। फॉर्मूला है क्या, कैसे यूज करना है, ठीक है। अब फॉर्मूला ये है बायोमोलेक्यूलर। आपने नाम सुना होगा बायोमोलेक्यूलर, सही? नाम नहीं सुना है तो आज सीखते हैं है क्या। रेडी है समझने के लिए? एग्री है तो फुली कंसंट्रेशन से रहिए ताकि समझ में आ जाए, आगे प्रॉब्लम्स जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। इस थ्योरम पे प्रॉब्लम आगे सॉल्व करेंगे, लेंथी भी है, तो इसलिए फुली कंसंट्रेशन से रहें ताकि हर चीज समझ सके, समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। एग्री है, आइए स्टार्ट करते हैं। बायोमोलेक्यूलर थ्योरम क्या है? अब देखिए, बायोमोलेक्यूल समझने से पहले लेट सपोज अगर दो नंबर्स प्लस हो रहे हो, होल पावर वन है तो मीन सिंपली ए प्लस बी। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी होल पावर टू है, तो ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी सीखा है। अगर फॉर एग्जांपल ए प्लस बी होल पावर थ्री आ जाए, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये भी फॉर्मूला बना, ठीक है। सो इस तरह से चलता रहता है। अब देखिए, पावर थ्री पावर टू पावर अगर फोर भी हो जाए, ठीक है, सब कर सकते हैं। अगर फोर से ज्यादा पावर आ जाए, कोई भी दो नंबर्स प्लस में हो, उन पे पावर टू आर मोर देन टू आ जाए, अगर पावर टू की यानी थ्री आ जाता है, तब तक हमारे पास फॉर्मूला है। अब इससे ज्यादा पावर आ जाए, कोई भी नंबर फ्रैक्शन में आ जाए पावर, तो क्या करेंगे, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बायोमोलेक्यूलर यूज करेंगे, ठीक, समझ में आ रही है चीज। अब एक और चीज, जिससे कि कोई भी अगर नंबर दो प्लस होते हो, उनमें होल पावर जो है इसमें होल पावर वन है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, दो। इसमें होल पावर टू है, इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, वन टू एंड थ्री, वन मोर देन द पावर दैट नंबर या दैट एक्सप्रेशन कंटेन्स। अरे बस समझ में, जैसे देखिए यहां पर दो नंबर प्लस में, दो में तो होल पावर थ्री है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बने, फोर। मींस एक्सपांशन का जो होल पावर है उससे नंबर ऑफ टर्म्स की क्वांटिटी 1 टाइम्स 4 है, पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स की क्वांटिटी 4। आई बात समझ में क्लियर है? तो अब क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि कोई भी दो नंबर प्लस में हो या माइनस में हो, उन पे होल पावर चाहे कुछ भी मिले, आपको अगर पूछे लेट सपोज होल पावर कोई भी दो एक्सपोनेंशियल पावर है 9 है, उसी को नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलने चाहिए। लेट्स सपोज यहां पर पावर 9 में दे रहा हूं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए, 10, सही है, वन मोर। ओके बच्चों, क्लियर की समझ आई चीज, ठीक है। तो बायोमोलेक्यूलर समझते हैं क्या। तो बायोमोलेक्यूलर ये है, दो नंबर्स फॉर एग्जांपल प्लस में है, होल पावर n है, n मींस एनी इंटीजर, n मतलब एनी इंटीजर, पॉजिटिव पावर हो सकता है, नेगेटिव भी पावर हो सकता है, ठीक है बेटा। अब पावर वन है तो ठीक है, टू है तो ये एक्सपोनेंशियल, थ्री है तो ये एक्सपोनेंशियल, अगर पावर एन आ जाए तो कैसे हम इसको एक्सपॉन्ड करेंगे, ये समझिए चीज। अब देखिए सीधा सू यहाँ पर दिया है एस सी कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड जीरो ए पावर एन, सी रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन। अब ये क्या है आगे समझिए, प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड वन, आप ए पे पावर एन माइनस वन एंड बी आ जाएगा,
सही है। अब देखिए a पे जो पावर है वो डिक्रीज होता जा रहा है, n -1 n -2, b पे जो पावर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे डॉट 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 सो ऑन लास्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ n एंड n b पावर है। ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम। अब c जो यहां पर रिप्रेजेंट करिए दैट रिप्रेजेंट्स द बाइनोमियल कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब वो कॉम्बिनेशन क्या है, देखिए सी जनरली में लिखा एन आर, जैसे अगर यहां पर देखिए नीचे 0 1 2 अप टू n तक, ऊपर तो n ही है, n मींस होल पावर, n का मतलब क्या है बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो होल पावर है दैट रिप्रेजेंट्स द n। अब नीचे r के पास इस कॉम्बिनेशन को सिंपलीफाई करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन को एक्सपेंड करने का फॉर्मूला, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। ओके बच्चों, ये फार्मूला है कॉम्बिनेशन को एक्सपेंड करने का, ठीक है बेटा, आई बात समझ में, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन और सेकंड वे से भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या है सेकंड वे, ये है a प्लस b होल पावर n इज इक्वल टू a पावर n प्लस, अब a की जो पावर है उसको आगे ले आएंगे n माइनस वन एन टू बी, ये एक्स एंड ए जो पावर है उसको आगे ले आए ए पावर n माइनस टू एन टू बी पावर टू, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय अब आ जाएगा टू फैक्टोरियल प्लस n n माइनस वन, अब ए के पावर n माइनस टू आगे ले आए डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाएगा थ्री फैक्टोरियल n माइनस थ्री एन बी पावर थ्री प्लस डॉट डॉट लास्ट में बी पावर एन। बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्म लिखे या इस फॉर्म में लिखे बात हुई है, ओके बच्चों समझ में आ रहा है, ये थ्योरम फॉर्मूला जो यूज करेंगे आपके एक्सरसाइज में, ठीक है बेटा। अब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में देखिए जैसे ए पावर एन का कोफिशिएंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड जीरो, यहां पर बी पावर एन का कोफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड है, मगर जब इसको एक्सपांड किया तो नीचे ए पावर एन एंड बी पावर का कोफिशिएंट है भी नहीं, ये कहां चले गए, ये कहां चले गए, देखिए कैसे सिंपलीफाई कर रहे हैं, दोनों कॉम्बिनेशन में ए पावर एन एंड बी पावर एन का कोफिशिएंट सेट, देखिए लेट्स सपोज कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड जीरो एन फैक्टोरियल n माइनस जीरो फैक्टोरियल n टू जीरो फैक्टोरियल फॉर्मूला के हिसाब से लिखा, n फैक्टोरियल n माइनस जीरो मींस n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई जीरो का फैक्टोरियल हमेशा वन, ठीक, n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा बाकी सिंपली आंसर क्या रह जाएगा वन। आई वाज टू इट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ n एंड जीरो इक्वल टू वन, सही है बेटा। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ n एंड m को भी समझ लेते हैं, b पावर n का कोफिशिएंट देखिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल n टू n फैक्टोरियल, ठीक है क्लियर, n फैक्टोरियल n प्लस n माइनस कैंसिल बाय जीरो फैक्टोरियल n टू ये n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल हम कैंसिल कर सकते हैं, खत्म हो गया, लिखने की जरूरत भी नहीं है, मींस वन, ठीक है बेटा। अब वन डिवाइडेड बाय जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल मींस वन, सो इट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड एन इज आल्सो इक्वल टू वन। अब ये चीज समझ में आई, ए पावर एन का कोफिशिएंट एंड बी पावर एन का कोफिशिएंट रिमूव हो गया, कोफिशिएंट सेम है, दैट इज वन, ओके, ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको जहन में ये चीजें होनी चाहिए, कॉम्बिनेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, कि कोफिशिएंट्स कहाँ गए,
ये टर्म्स एंड होने चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? ठीक, आगे मूव। अब जैसे मैंने यहां पर पहले समझाया आप लोगों को कि एक्सपेंशन में दो टर्म प्लस होल पावर जो भी है, होल पावर जो भी है, उस पावर से उस एक्सपेंशन के नंबर ऑफ टर्म्स वंस टाइम मोर। तो यहां पर इस फाइनल पर एक्सपेंशन में इनके नंबर ऑफ टर्म्स जो मिलेंगे वो कितने रहेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन पावर एक्सपेंशन। अब यहां पर एक्सपेंशन का पावर क्या है? n, n पावर पे डिपेंड करता है। तो जैसे यहां पर एक्सपेंशन का पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 एक 1 मोर देन 20। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स उसके रहेंगे n प्लस 1, क्योंकि पावर n है। n मींस कोई पता नहीं क्या पावर हो, यानी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो उनके नंबर ऑफ टर्म्स की जो क्वांटिटी होगी n प्लस 1, मीन के पे 1 प्लस करना है आप लोगों को। आगे पास में जो बच्चों क्लियर है? ठीक है, ये बेसिक इसलिए समझा रहा हूं ताकि आगे प्रॉब्लम जब सॉल्व करो या कोई भी एमसीक्यू आपके सामने आ जाए आप आंसर दे सकते। ओके बच्चों, ठीक है, ये हुआ छोटा सा बायनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन, छोटा सा बायनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन। क्लियर है? अब एक और चीज समझ लेते हैं साथ में। बायनोमियल एक्सपेंशन मींस एक्सपोंड कर रहे हैं हम, इसको मजीद साफ कर रहे हैं। अब एक इसमें एक और चीज समझनी है, जनरल टर्म बायनोमियल थ्योरम का, जनरल टर्म बायनोमियल, बायनोमियल थ्योरम जनरल टर्म मींस जैसे बायनोमियल थ्योरम है होल पावर एन। इस बायनोमियल थ्योरम में पूछे इसका फोर्थ टर्म कैलकुलेट करके देखें, या कि इसका 21st नंबर ऑफ टर्म, 21st टर्म कैलकुलेट करके देखें। ठीक है, तो जैसे तो अगर 21st टर्म्स कैलकुलेट करना हो तो हम ये थ्योरम यूज भी कर सकते हैं, मगर इस तरीके से अगर यूज करेंगे तो सारा दिन यहीं पर ही बैठे रहेंगे। तो उसके लिए अल्टरनेट ये है, उसका जनरल टर्म है। जनरल एक फॉर्मूला है टर्म का, टर्म को फाइंड आउट करने का। ठीक है, वो क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला ये है कि r प्लस 1 इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ n एंड r, a पावर n माइनस r मल्टीप्लाई बाय b पावर r। ये फॉर्मूला जनरल टर्म जिसको बोलते हैं आप बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में कोई भी टर्म कैलकुलेट करना हो आंखें बंद करके ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर यहां तक? ये जस्ट जनरल टर्म है, जनरल फॉर्मूला पहले ही हमें जहन में होना चाहिए आप लोगों को, जब प्रॉब्लम सॉल्व करें वहां पर आपको कंफ्यूज ना हो और ये कहां से आया ऐसे ना करना पड़े आपको। इसलिए पहले ही मैं आपको समझा रहा हूं कि बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन क्या है, कैसे टर्म्स हमें मिलते हैं, ठीक है, उनके टर्म्स की क्वांटिटी क्या होती है पावर के हिसाब से। ये बेसिक बारीक बारीक सी चीज़ें कंसंट्रेशन से समझ लें, आगे एक्सरसाइज में हम लोग इजीली मूव होते रहे। ठीक है बच्चों, ईच एंड एवरीथिंग आई थिंक क्लियर होनी चाहिए आप लोग, सही है? तो फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर जो वीडियो अपलोड होगी उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा, प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझें, सीखें, टाइम में कंप्लीट करें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।